भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का फिल्म फरिश्ता और संघर्ष 2 ने साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पे जमकर पैसे कमाए। सिनेमा घरों में जमकर लोगों ने भीड़ लगाई इन दोनों फिल्मों को देखने के लिए और बॉक्स ऑफिस पे इन दोनों फिल्मों ने जबरदस्त कमाई की और साल 2023 खेसारी लाल यादव के लिए और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही शानदार साल था। लेकिन साल 2024 शुरुआत से ही खेसारी लाल यादव के लिए एकदम बुरा रहा है। जी हां दोस्तों, जहां खेसारी लाल यादव ने साल 2023 में दो दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, वहीं साल 2024 में उनकी एक महीने के अंदर ही 3 फिल्में डिजास्टर हो गई है। ये फिल्में कब सिनेमाघरों में रिलीज हुई और कब सिनेमाघरों से उतर गई लोगों को पता तक नहीं चला। तीनों फिल्मों ने मिला के 10 लाख रुपए भी सिनेमाघरों से नहीं कमा पाए। जहां पहले लोग खेसारी लाल यादव के नाम सुनते ही सिनेमाघरों में जमकर भीड़ लगा देते थे उनकी फिल्में देखने के लिए, वहीं खेसारी लाल यादव की फिल्में बॉक्स ऑफिस पे एकदम डिजास्टर साबित हो जा रही है। फिल्में एक हफ्ता भी सिनेमाघरों में नहीं टिक रही है। एक हफ्ता से पहले ही इन सभी फिल्मों को सिनेमाघरों से उतार लिया जाता है, क्योंकि इन फिल्मों को देखने के लिए पब्लिक को छोड़िए एक कुत्ता तक नहीं जा रहा है। आप लोग को क्या लगता है, खेसारी लाल यादव कौन सी गलती कर रहे हैं जिनसे उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर हो रही है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खेसारी लाल यादव जल्द से जल्द अपनी फिल्मों में सुधार करें और फिर से वो बॉक्स ऑफिस पे एकदम राजा की तरह राज करें और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे ढेर सारे पैसे कमाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।